अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं किसके, जिसको जिसके अंदर आयोटा इन्वॉल्व हो जाए। ठीक हो गया। अब आयोटा इन्वॉल्व है तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, मतलब मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। हम किसी भी दो लीनियर फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को तो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आंसर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर सीखना है। अभी एक फैक्टर मैंने दो फैक्टर्स आप लोगों के सामने लिखे, इसको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। आपके क्वेश्चंस के अंदर ही आते हैं, मतलब 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आप लोग फैक्टर मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे आयोटा इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, जैसे हम लोगों के पास रियल और इमेजिनरी नंबर की कॉम्बिनेशन को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा से रिप्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, सबसे पहले दो तीन बातें सीख लेते हैं, क्योंकि आयोटा जो स्क्वायर होता है ना वो इक्वल होता है माइनस वन के। ठीक हो गया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि आयोटा जो था वो पहले अंडर रूट माइनस वन के इक्वल था। ये फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो माइनस इन्वॉल्व हुआ तो उससे आयोटा रिप्रेजेंट हुआ, आयोटा जो इन्वेंट हो गया। ठीक हो गया। अब आयोटा यहाँ पे इक्वेशंस के अंदर जब आ जाए तो आयोटा हमारे लिए बड़ा मुसीबत साबित होता है। तो हम उसकी सिंप्लीफिकेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा काम है कि इनकी फैक्टर मल्टीप्लीकेशन उसी तरह करनी है, जैसे ये 8 आयोटा है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे फैक्टर के साथ, तो -7 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, इसी तरह प्लस 11 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -7 प्लस 5 आयोटा के साथ। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोगों ने 8 को 7 से करेंगे, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है जी जल्दी बताओ यार, 7 5 35, फिर 7 6 42, 56 आयोटा, -56 आयोटा और प्लस 8 5 40 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर -77 और प्लस 11 5 55, ठीक है आयोटा। ठीक है, 55 आयोटा। यहां तक समझ आ गई कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या करना है, ये देखो, ये और ये आयोटा के नंबर्स हैं और ये मतलब आयोटा स्क्वायर के नंबर्स हैं, तो हम इनको रीअरेंज कर लेंगे, -56 आयोटा को प्लस 55 आयोटा के साथ लिख लेंगे। ठीक है, और प्लस 40 आयोटा स्क्वायर को और -77 को साथ लिख लेंगे। ठीक हो गया। फिर हमारे पास, मैंने जैसे कहा कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो हम इन्वॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 आयोटा, क्योंकि 56 में से 55 को माइनस किया ना, माइनस प्लस माइनस, 40 को एज इट इज लिखेंगे और -1 और साथ -77। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, क्योंकि 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये -40 और -77। ठीक हो गया। कैलकुलेटर उठाओ और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, तो ये आ जाएगा -117। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे आंसर। ठीक है, माइनस इन दोनों को मैंने ऐड किया तो -117 इक्वल्स टू -117 और माइनस आयोटा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लीकेशन हो गया, -117 एंड माइनस आयोटा। ठीक हो गया, -1 आयोटा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, सही हो गया। तो हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, दो फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हम इस तरह इसकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी स्टूडेंट की हमारे पास इमेज आई थी जिसको मैंने सॉल्व किया, होप आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। अब कुछ इसके बाद जो है लीनियर इक्वेशंस के कुछ वीडियोज है, मतलब वो अपलोड करूंगा, क्योंकि वो भी बच्चों के कन्फ्यूजन है उनके अंदर, अलजेब्रा के अंदर, तो वो सॉल्व करते हैं। ठीक है।